नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2018 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के कापियों का मूल्यांकन कई जिलों में बहुत ही रफली किया गया है, जिसमें से एक उदाहरण औरैया जिले का है और यहाँ पर लगभग 90% अभ्यर्थी फर्स्ट सेमेस्टर में असफल घोषित कर दिए गए हैं। दोस्तों, आज दिनांक 6 मई 2019 को औरैया जिले के कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित थे श्रीमान सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से इसके संदर्भ में जानकारी देने के लिए। दोस्तों, पीएनपी के सचिव का क्या कुछ एक्शन लिया गया है, इस मुद्दे पर पूरा डिटेल में बात करूंगा। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पीएनपी के सचिव को जब इस मुद्दे से अवगत कराया गया तो उन्होंने पहले स्क्रूटनी के लिए अनुमोदन किया कि आप सभी कैंडिडेट्स का स्क्रूटनी कराइए। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये फंस रही थी कि जिन अभ्यर्थियों का 3 या फिर 3 से अधिक सब्जेक्ट्स में स्क्रूटनी था तो उनका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह स्क्रूटनी नहीं भर सकते हैं और उनका 6 माह का एक सेमेस्टर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए श्रीमान सचिव जी ने यह स्पष्ट कहा है कि वह इसके लिए औरैया जिले की कापी जहां पर चेक हुई थी डाइट मिर्ज़ापुर में, वहां के डाइट के प्रिंसिपल से वह फिर से बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, और अगर कुछ भी प्रोसेस में खामियां रहती हैं तो वह प्रिंसिपल को आदेशित करेंगे कि औरैया जिले के सभी कापियों का मूल्यांकन फिर से किया जाए। दोस्तों, हो सकता है आप लोग को 1-2 दिन के अंदर इसके संदर्भ में आदेश देखने को मिल जाए पीएनपी के द्वारा डाइट मिर्ज़ापुर को कि डीएलएड 2018 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी कापियों की मूल्यांकन फिर से की जाए, क्योंकि दोस्तों 90% अभ्यर्थियों का असफल हो जाना कहीं ना कहीं इसमें एक गलती की तरफ संकेत करता है कि कापियों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया है। दोस्तों, अगर आप औरैया जिले के इस मुद्दे से वाकिफ नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूं, जिसमें औरैया जिले में 90% अभ्यर्थी जो फेल हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।